हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएस आईटी। माय नेम इज पूना। मैं यहां पे अपकमिंग एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई 2023 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि सिर्फ बीपीएससी टीआरई नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, मतलब कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, तो ये एक ऐसा यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम होगा ही नहीं जिसके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन ना किया हो। तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, हम लोग इतनी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद बारी बारी से जितने भी टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पे है मेंशन किया हुआ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे, फिर उसका गोल क्या है, फिर उसके फंक्शंस क्या है, उसके बाद हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन, रियल टाइम, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कर्नल के टाइप्स, जैसे मोनोलिथिक क्या होता है, लेयर्ड क्या होता है, माइक्रो कर्नल क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं सम टाइम, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट में, जैसे कि हमारा प्रोसेस स्टेट हो गया डायग्राम, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा न्यू रेडी रन, ये सब कुछ होता है ना डायग्राम में, फिर एग्जीक्यूट, फिर यहाँ पे ब्लॉक। तो ये हम लोग डायग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या न्यू होता है, रेडी रन, ये सब हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी। उसके बाद शेड्यूलर है, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थ्री टाइप्स होते हैं शेड्यूलर के, फर्स्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, सेकेंड टर्म शेड्यूलर, तो लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है शेड्यूलर। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, SJF शेड्यूलिंग, SRTF, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फिर LJF है, फिर राउंड रॉबिन है, फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। तो ये सब लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, हमारा टॉपिक आ जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, कि हमारे सिस्टम में जो प्रोसेस है, प्रोसेस वर्क करता है, उसको सिंक्रोनाइज कैसे करता है, कैसे हम लोग करते हैं, मतलब कि हमारे सिस्टम में एक प्रोसेस तो नहीं होता है ना, बहुत सारे प्रोसेस वर्क कर रहे होते हैं, तो उसको सिंक्रोनाइज कैसे होता है। तो उसके जैसे कुछ पॉइंट है, जैसे कि रेस्ट कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन, क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या होता है, लॉक वेरिएबल, टर्न वेरिएबल, सीमाफोर, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, काउंटिंग सीमाफोर, इसके दो टाइप्स है, काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो है डेड लॉक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेड लॉक क्या होता है, कंडीशन फॉर डेड लॉक, डेड लॉक हमारे सिस्टम में किस वजह से लगता है, क्या कंडीशन होता है, फिर डेड लॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजी, मतलब अगर हमारे सिस्टम में डेड लॉक है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, उसके स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बैंकर्स एल्गोरिदम, फिर डेड लॉक अवॉइडेंस, जिसको कि हम लोग डेड लॉक अवॉइडेंस भी बोलते हैं। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, फिर डेड लॉक डिटेक्शन यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो ये सब हमारे किसके पार्ट है, डेड लॉक है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे व्हाट इज मेन मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, हमारे सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड क्यों है, फिर लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, फिर स्टैटिक एंड डायनेमिक लोकेशन, सॉरी लोडिंग है, तो वो सब लोग डिस्कस करेंगे। फिर स्टैटिक एंड डायनेमिक लिंकिंग क्या होता है, स्वैपिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही हैं, तो स्वैपिंग क्या होता है। फिर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि मेमोरी एलोकेशन फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट क्या होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ से देखो क्वेश्चन आया था फ्रेगमेंटेशन से, इस बार एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक एक से दो क्वेश्चन आया था, तो हम लोग उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेजिंग, तो यहाँ से भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो हमारा है लास्ट, हमारा है डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग में जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, फिर SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, फिर स्कैन है, फिर सी स्कैन है, लुक है, सी लुक है, तो ये कुछ सिलेबस हमारा किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ।
तो आप लोग अपने इंड से भी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भरोसे ही रहना कि मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ बस उतना ही करके रह जाना है। मैं तो बस इतना करवा देती हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च करो, जो भी टॉपिक यहाँ पे आप कवर करते हो उसको सर्च करो गूगल पे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। बाकी मैं तो गाइड कर ही रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।